एक सुनी लड़ सुनी लड़ सब सुनी लड़ ना ऐसे एक्टर्स हैं मैं जानती हूँ. आई थिंक किसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोलें, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया. सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वॉज टेलिंग समबडी के मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. How can you talk like that? Well, I think election से मैं नहीं, मेरा ऐसा election से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है. काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं politics में जाना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0% chances भी नहीं है. मगर क्या मैं एक ऐसी युवक युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं मैं जानती हूँ, आई थिंक किसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोलें, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया. सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वॉज टेलिंग समबडी के मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें? दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल. क्या मैं वैसे इंसान हूँ? नहीं. उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए. मेरे घर में बिजली पानी आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है. सो दिस हैज़ टू चेंज, एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए. हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कॉन्ट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है. यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी. आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज़ योर लीडर. यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन, हु वट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, वट डू यू थिंक. यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना. दिस इज़ एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. सो दीज पीपल शुड बी आस, ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है. मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ. देखो इंडस्ट्री में एक चलन है कि जो सरकार उनमें होती है उसके गुणगान गाए जाते हैं. पहले 7 साल में एनडीए यूपीए था तो उसके गुणगान इंडस्ट्री गाती थी, अब एनडीए की सरकार है तो उनके गुणगान गाती है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री. देखिए थोड़ी अपॉर्चुनिटी आपको लगता है? Well, in a democracy, a shift of power when happens, it's okay to be positive for a government, but if you feel that the government is not showing any response, it's okay to call them out on that. It's not that you shifted your opinion or you're being, an opportunist or like that. So it's fine to show positivity for an elected candidate and to be like, okay, fine, we have a lot of faith in this person. There is nothing wrong in that. Mm-hmm. And, talking about about me, I think I have had a very wide exposure of how things change in person's life. जैसे देश में चीज़ें चेंज होती है, हमारे ऊपर भी, हमारी पर्सनली भी लाइफ चेंज होगी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम देश में इंटरेस्ट लें, बिकॉज हम देशी तो हैं, हम कौन हैं? सो
सो ये बहुत ही मूर्खता की बातें ऐसे करना, मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज, मेरी वो इंडोर्समेंट ना चले जाए या मेरे को वो कुछ, दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड एंड ऑल्सो वेल देखिए हम लोग आई थिंक अगर अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं और कोई है जो इस देश को इसकी जो बुरी स्थिति है, जैसे कि 50% हमारे लोग जो है मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है, हर कोई आके हमारे ताज में, मतलब माय फ्रेंड अ वेरी डियर फ्रेंड जिनकी जो एक्टर भी हैं मेरे साथ धमाल टू में काम कर चुके हैं, उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको देयर शॉट इन दैट. तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना, कल को मेरी बहन जा सकती है डिनर करने अपने दो बच्चों को छोड़ के मेरे पास, तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ ले. इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स खत्म हो रही है, ग्रीन कवर खत्म हो रहा है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट. आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं, आपको आप सो कैसे जाते हैं और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए. और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक, हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर, हाउ डू यू ऑल टॉलरेट दिस इन अ डेमोक्रेसी लाइक दैट एंड देन यू मेक दिस पीपल योर रोल मॉडल्स, हाउ डज दैट वर्क. सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क.